ये वाला ना खुलने का, इसके लिए मेरे को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी इसमें, ज्यादा ही ताकत। तो मुझे खड़ा करना पड़ेगा इसके लिए। मैं सॉरी जो बोलते हैं इसका रील बियरिंग और ये सारा कुछ मैंने खुद ही चेंज कर दिया था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको डायरेक्ट इसका कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा, बिकॉज द स्विच इज जस्ट डाइड। इसमें मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि कहाँ पे गड़बड़ है, पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा। एक जो पोर्ट है ना, एक एच है एक एल है, ठीक है। इसमें देखो एक एच है एक एल है, और एक पोर्ट थोड़ा सा पिघला हुआ है, मतलब ये वाला, ये जो मिड में दिख रहा है, मिड में ये साइड वाला, मतलब ये साइड देख रहे ना, साइड में पिघल गया। सो यही मेन फॉल्ट है इसकी। और अब मेरा, अब तुम लोगों ने रूम तो देख ही लिया कैसा है। सो टिक जा भाई, टिक जा। ट्राईपॉड भी मतलब बेड पे कैसे टिकेगा समझ सकते हो। सो अभी मेरे को इसको स्विच से हटा के डायरेक्ट करना है, मतलब डायरेक्ट करने में क्या है भाई साहब, इन दोनों तारों को बस डायरेक्ट मेरे को जोड़ देने का। ओके सो ओके I'm good in electronics as well. So ये निकलना है एंड इसको भी इस वाले स्विच से निकालना होगा। निकला भाई तो चलेगा, वैसे भी वैसे ऐसे ही एक दूसरा वाला फैन था, उसको मैंने गलती से खराब हो गया एक्चुअली। उसकी मैंने ये अंदर वाली बेयरिंग बदल रहा था, तो खींचने में पता नहीं शायद ये वाला तार, ये रेड या ब्लैक, रेड तार, रेड वाला वायर उसका, वो यहाँ साइड निकलेगा, मतलब जो अंदर कॉइल पड़ी होती ना उस कॉइल से ही वो तार निकलेगा। और अभी तक मैंने उसको बनवाया नहीं है, रिपेयर नहीं करवाया, बटन सीधे चल गए, बटन टूट के चल गए लेकिन खुला नहीं। तो अब मैं इसको खोलूंगा, लगभग तार उसके तो कट गया लेकिन खुला नहीं, मतलब रस्सी जल गई पर उसकी ऐठन अभी नहीं गई, अकड़ जिसको बोलते हैं। इसके अंदर ये अंदर खुल गया था, इधर साइड वाला गायब हो गया। तो अभी मेरे को इस दोनों को ऐड कर देना है, और अब ये हो गया डायरेक्ट। मैकेनिक का पैसा कौन दे, मतलब इतनी गरीबी में कौन दे मैकेनिक का पैसा। आई कैन नॉट स्पेंड दैट टेप ले के माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। मम्मी का फोन है, मेरे चार्जर से चार्ज होता है ना, तो मैंने मेरे चार्जर से चार्जर दूसरा है, डाटा केबल मैंने वो हेडफोन वाला हेडफोन चार्ज करने का डाटा केबल मैंने मम्मी के चार्जर में लगा दी, और सॉरी एडाप्टर में, और उसको लगा दी इधर अपने पीसी वाले बोर्ड में, तो ऐसा करके चार्ज हो रहा है। और रूम बहुत ज्यादा मैसी दिख रहा है ना, उखड़ा उखड़ा सा कलर है पूरा, और वो पर्दा तो अब सामने दिख ही गया, सब ओपन ही है। 1000 सब्सक्राइबर्स लगभग होने वाले हैं, चलो दिखा ही देते हैं, चलता है। तो 900 सब्सक्राइबर्स अभी मेरे पहुंच गए, 984 सब्सक्राइबर्स आज अभी इस टाइम पे हैं। सो थैंक यू 900 यार, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इसलिए। लेकिन अगर मैं डेली व्लॉग्स डालता है, यार लड़कों के व्लॉग्स देखते नहीं, भाभी जी टाइप वाले भी अगर व्लॉग डालू ना, बहुत सारी हैं, कानपुर व्लॉगर और देहरादून व्लॉगर, रश्मि करके कुछ समथिंग, नाम में थोड़ा डिफरेंस होता है, पर ऐसे ही बहुत सारे मैंने व्लॉगर देखे हैं भाभी जी टाइप वाले, बहुत व्लॉगर्स हैं और लोग उनका बहुत चाव से देखते भी हैं, और इधर इधर हम लोग का कोई नहीं दिखता।
मतलब लोग देखते हैं, इंटरेस्टेड नहीं है अब। और हाँ, मोटिवेशन चैनल में भी लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, पता नहीं यार मतलब कैसे कैसे टाइप के लोग हैं आजकल। तो अभी डायरेक्ट हो गया, अब इसको लगा के देखेंगे चलेगा नहीं चलेगा। भड़बड़ाता बहुत है, आवाज बहुत आती है। तो पता है जब लाइट जाती है ना तो मेरे को बड़ा सुकून फील होता है, मतलब ऐसा लगता है कानों में बिल्कुल मजा आ गया। और इसकी दोनों व्हील बेयरिंग मैंने बदल दी है। तो प्रॉब्लम ये है ना कि जो शाफ्ट है बीच में, जो शाफ्ट पड़ती है लंबी लंबी सी, वो शाफ्ट ना आसपास जो मैग्नेट लगा होता है उस मैग्नेट में, वो शाफ्ट टेढ़ी है हल्की सी, तो शाफ्ट ना मतलब ऐसे टाइप में, ऐसे टाइप में, तो जब नीचे आती तो एक साइड में कहीं ना कहीं वो मैग्नेट में लड़ती है, तो धाड़ धाड़ वाली आवाज आती है। और इसकी व्हील बेयरिंग सही है बट शाफ्ट टेढ़ी होने की वजह से ये लड़ता रहता भटाभट 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 भटाभट। एंड तरुष भाई को तुम जानते हो, तरुष इज एक्सपर्ट इन एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग, हर चीज में तरुष एक्सपर्ट है। फैन भी मतलब सब रिपेयरिंग भी कर लेता है, इसकी जो कॉइल अंदर भरी जाती है वो भी कर लेता है। एंड मेडिकल स्टोर भी मामा का है, तो मतलब वो मेडिकल स्टोर में भी रहता है, दवा भी दे लेता है, मतलब हर एक चीज की, हर एक चीज, मतलब वो नहीं कि बुखार की कॉम्बी फ्लेम या फिर वो पकड़ा दे पैरासीटामोल। और लूज मोशन में वो क्या डिपेंड डाले वो पकड़ा दे, वो वाला डॉक्टर नहीं मतलब मिक्स करके देता है, तो बोलता है वो वेट और एज के अकॉर्डिंग दी जाती है। अच्छा यार तुम लोग मतलब तुम ऐसा मैनेज कैसे कर लेते हो, मतलब मुझे तो कहता है कि वो वेट के अकॉर्डिंग जाती है। लाइक मेरा वीवर जैसे कि 55 था अभी, तो मैं क्या चाहता हूँ देखने के लिए, हाँ ये बता दो ना इसमें ये अभी भी लकड़ी ऐसी अंदर है, मतलब बिल्कुल टाइट है, तो और दर्द भी करती है। तो जब इस पे ऐसा करता हूँ तो यहाँ तक तो नस मेरी पूरी एकदम फूल जाती है ना, ये यहाँ से एकदम लकड़ी ऐसी पतली है, ऐसा लगता है अभी भी निडल पड़ गई। सो इट हर्ट्स मी समटाइम्स, एंड अभी टाइम है इसको टेस्ट करने का। तो दीवारों के बीच में जो मसाला लगाया जाता है ना, ईंटे के बीच में, ईंटा और ईंटे के बीच में जो मसाला, वो छूट गया। तो उस सारे को मैंने मतलब उस पूरे को मैंने पैच वर्क उसका करा, और पूरी दीवारों में मैंने हल्का हल्का सब प्लास्टर किया, एंड एवरीथिंग आई मैनेज्ड, मतलब बहुत सारी चीजें मैंने मैनेज करी है। तो ऐसा करके कुछ मेरा रूम अभी तैयार है, नॉर्मल है, रहने लायक, मेरे रहने लायक। फर्श वर्श तो अच्छी है, पक्की है, बस छत मेरे पूरे घर की कच्ची है, मतलब पूरे घर की छत ऐसे टपकती है कभी कभी। सो बातें बहुत हो गई, ब्लॉग बहुत लंबा है, ये सिंगल वीडियो मेरे को डालना पड़ेगा। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज, क्या बोल रहा हूँ यार, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मतलब मैं अगर आपको अच्छा लगा हूँ तो प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को, एंड हिट द सब्सक्राइब बटन इफ यू आर न्यू हियर। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, एंड बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। ये टी शर्ट 4 साल पुरानी, मतलब बहुत ही पुरानी, आई वॉज सो यंग दैट टाइम, मैंने जब मुझे टी शर्ट मेरी मौसी ने दी थी, मेरी मौसी नौ वस्ता वाली, मैं लूंगा कभी कभी नहीं। सी यू लेटर, बाय बाय।